नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं आज की खबर। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है, पूरे शहर को सजाया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच ऐसा लग रहा है कि कहीं कोरोना वायरस इस कार्यक्रम में कोई अड़चन पैदा न कर दे। दरअसल आज अयोध्या से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने मन में थोड़ी चिंता जरूर पैदा कर दी है। दरअसल राम मंदिर के मुख्य पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर की सुरक्षा में तैनात 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित मिले हैं। इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। अब इस बात की जांच हो रही है कि इनके संपर्क में और कौन कौन लोग आए थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि अब इस बात की जांच हो रही है कि इनके संपर्क में और कौन कौन लोग आए थे। पुजारी प्रदीप दास राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के सहायक हैं। मुख्य पुजारी के साथ 4 अन्य पुजारी रामलला की सेवा करते हैं। प्रदीप दास के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने तय किया है कि मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और 3 अन्य पुजारी का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। अभी प्रदीप दास को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित 16 पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन किया गया है। 16 पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस प्रशासन सख्ते में है। मंदिर की सुरक्षा में लगभग 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि 5 अगस्त के पहले सबकी जांच करवा ले। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास करने अयोध्या आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लाल कृष्ण आडवाणी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जैसी प्रमुख हस्तियां साथ रहेंगी। इस भूमि पूजन कार्यक्रम की भव्यता और प्रचार में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दिन रात लगा हुआ है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।